जो योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और मीटिंग में प्रदेश के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में गृहकर की स्वकर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव, मेरठ में 400 केवी बिजली लाइन का प्रस्ताव पास हो सकता है, सरकारी कर्मचारियों के प्रोन्नति के लिए नियमावली में बदलाव संबंधी प्रस्ताव और ग्राम्य विकास विभाग की अंबेडकर ग्राम्य स्वरोजगार योजना के टास्क फोर्स गठन संबंधी प्रस्ताव, ई स्टाम्प नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव और तहसीलों के स्टाम्प वेंडर्स को ई स्टाम्प बेचने की सुविधा मिलेगी, मदरसा आधुनिकीकरण योजना में केंद्र और राज्य के अंश का निर्धारण संबंधी प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश पालिका परिषद अधिनियम संशोधन का प्रस्ताव यहां पास कराया जा सकता है, जो कि आज इस बैठक में होगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लागत और नियम संबंधी प्रस्ताव भी यहां से पास कराए जा सकते हैं। विशाल लघुवंशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आज की कैबिनेट बैठक जो है बेहद अहम है, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें लाए जा सकते हैं, क्या इनका इंप्लीमेंटेशन होगा, कब से कितने बजे से बैठक है और क्या है इसके संबंध में जानकारी अपने पास? देखिए, फिलहाल 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 11 बजे लोकभवन में ये बैठक शुरू होगी और 12 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में करीब आधे दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव जो हैं जिन पर मुहर लगेगी, जो विकास से संबंधित हैं, साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के जो प्रमोशन का जो नियमावली है, जो शासनादेश है, उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। चूँकि कैबिनेट बैठक मंगलवार को होती रही है, ऐसे में आज ये बैठक बुलाई गई है, तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि चूंकि कल गंगा स्नान है, इस वजह से इस बैठक को आज किया गया है। इसके साथ साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि मदरसा अधिकरण को लेकर भी आज बैठक में प्रस्ताव पास हो सकता है। चूंकि अभी हाल में ही रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर फैसले को लेकर, उसके बाद जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे सीएम योगी आदित्यनाथ के, वो कैंसिल हो गए थे और उसके बाद आज ये कैबिनेट बैठक हो रही है। सुबह 11 बजे लोकभवन में यह बैठक शुरू होगी और 12 बजे इसकी कैबिनेट ब्रीफिंग होगी। सीएम अध्यक्षता में तमाम मंत्री मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दों को चर्चा होगी ही होगी। साथ ही साथ जिस तरह से फैसला आया उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उस बारे में भी चर्चा होगी। चूंकि सीएम ने तमाम जो मंत्री हैं उन सबको प्रभार दे दिया था कि अपने अपने क्षेत्रों में वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखें, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, इसमें मेरठ में जो 400 केवी बिजली लाइन का प्रस्ताव है उस पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नगर पालिका नगर निगम के जो उन पर भी मोहर लगेगी और करीब आधे दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव जो हैं जिन पर आज चर्चा होगी और उस पर मोहर लगना बताया जा रहा है।